आई एम नेहा एंड वेलकम टू द टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ माय किचन। और आप सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो भाई नवरात्रि में बहुत से लोग व्रत रखते हैं, पूरे 9 दिन का व्रत रखते हैं। तो उसमें फलाहार खाया जाता है और फलाहार में बहुत सारी वैरायटीज हैं। आप कुटू का आटा खा सकते हैं, सिंघाड़े का आटा खा सकते हैं, सागो या साबुदाना जिसको बोलते हैं उसकी खिचड़ी, या उसके कटलेट्स खा सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, भाई एंड द लिस्ट गोज ऑन। तो आज हम जो बनाने जा रहे हैं वो हम बनाने जा रहे हैं कुटू की पकौड़ी या कुटू के पकौड़े। बहुत ही लाजवाब लगते हैं भाई। आपसे बात करते करते मेरे को बिना बनाए जो है मुंह में पानी आने लग गया है। तो ये जो है बहुत फटाफट बन जाते हैं, ज्यादा कुछ हमें जरूरत नहीं होती इन चीजों में। तो आइए देखते हैं कि कुटू के पकौड़े बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है। तो कुटू की पकौड़ियाँ बनाने के लिए हमने यहाँ पे कुटू ले रखा है, जिसको हम इंग्लिश में बकवीट भी बोलते हैं। और ये तकरीबन हमने 1 कप लिया हुआ है। और कुटू का आटा किसी भी किराने की दुकान पे या ग्रोसरी स्टोर पे बहुत इजीली अवेलेबल है। और अगर कभी जैसे नवरात्रे आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, तो ये बहुत इजीली अवेलेबल होता है शॉप्स पे। और उसके अलावा हमने यहाँ पे कच्चे आलू लिए हुए हैं। तो आप जैसे कि देख सकते हैं जो आलू है, यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज आलू लिए हुए हैं और उनको मैंने, ये देख लीजिए, बारीक बारीक काट लिया है। और साथ में मैंने यहाँ पे 1 मीडियम साइज आलू लिया था और इसको मैंने ऐसे चिप्स के शेप में ऐसे ऐसे पतला पतला काट लिया है। तो अगर आपके पास उबला हुआ आलू है तो आप उबले हुए आलू से भी बना सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज उबले हुए आलू से जो आपके पकौड़े हैं बहुत जल्दी बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम कच्चा आलू यूज कर रहे हैं वो तब है कि अगर आपके पास उबले हुए आलू नहीं है। और मसालों में आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे हरी मिर्च ली हुई है, तो 1 हरी मिर्च हमने तकरीबन ली हुई है और उसको बारीक काट लिया है। सेंधा नमक, क्योंकि व्रत के खाने में हम हमेशा सेंधा नमक का इस्तेमाल करते हैं, टेबल सॉल्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और हमने यहाँ पे 1 टीस्पून हमने यहाँ पे जीरा लिया हुआ है और हमने यहाँ पे 1/2 टीस्पून काली मिर्च ली हुई है। और ये जो काली मिर्च है आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये मैंने फ्रेश काली जो काली मिर्च है उसको ला के घर पे खुद ग्राइंड किया था, तो बहुत ही स्ट्रांग फ्लेवर है इसका, काफी तीखी है। और यहाँ पे हमने ले रखा है फ्रेश कोरिएंडर। तो यहाँ पे हमने कुटू ले लिया है, तो इसमें हम अपनी हरी मिर्ची, जीरा, काली मिर्ची और सेंधा नमक। तो जैसे कि सेंधा नमक जो है वो थोड़ा कम नमकीन होता है, कम सॉल्टी होता है, तो ये थोड़ा नॉर्मल टेबल सॉल्ट से इसमें ज्यादा डलता है। तो ये हम डाल देते हैं इसके अंदर सेंधा नमक और हम इसमें डाल देते हैं कोरिएंडर। वाह जी वाह। और इनको आपस में हम मिक्स कर लेते हैं और इसको हम थोड़ा गाढ़ा सा पेस्ट बनाएंगे इसका, और मेक श्योर कि इसके अंदर कोई लम्प्स ना रहे। तो अब जैसे कि देख सकते हैं ये हमने काफी अच्छे से इसको मिक्स कर लिया और इसके अंदर कोई लम्प्स नहीं है। और इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए जैसे हम पकौड़ों की कंसिस्टेंसी रखते हैं बिल्कुल वैसी ही रखनी है हमें। तो यहाँ पे हमने तेल ले लिया है, तेल हमारा गर्म हो चुका है और अभी जो गैस की फ्लेम है वो मीडियम पे है। तो हम सबसे पहले बनाएंगे अपने चिप्स वाले पकौड़े। तो कुछ नहीं करना है, जैसे हम नॉर्मल अपने आलू के पकौड़े बनाते हैं बिल्कुल हम वैसे ही बनाएंगे। तो ये हमने डिप कर लिया जी, और डिप करके इनको हम डाल देंगे तेल में और गैस की जो फ्लेम है वो हम रख देते हैं मीडियम पे। तो हम ज़्यादा हाई फ्लेम पे भी नहीं पकाएंगे क्योंकि वो अंदर से आलू कच्चे हो जाएंगे और ऊपर से वो पक जाएगा हमारा बेसन कुटू, सॉरी। तो इसी तरह से करते हम सारे जो अपने पकौड़े हैं कुटू के, ये हम तेल में डालते चले जाएंगे। तो जितने आ सकते थे मैंने ये सारे पकौड़े इसमें डाल दिए और इनको हम धीरे धीरे करके पलट लेते हैं और ये बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। और एक चीज मैं आपको बताना भूल गई कि जब आप अपने आलू काट लें तो प्लीज उसको पानी में रहने दें और या फिर पानी में डुबो के रखें, वरना वो जो है काले पड़ जाते हैं। तो इनको हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये बिल्कुल पक ना जाए। और ये इसमें तो आपको गोल्डन पता ही नहीं लगेगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये हल्की सी इस पे ना ब्राउन चित्ती आने लग गई है और ये ज्यादा ब्राउन हो गए, तब हम इनको कढ़ाई से बाहर निकाल देंगे। तब जैसे कि देख सकते हैं हमारे जो पकौड़े हैं इनमें झाग भी कम हो गया है और ये तकरीबन हमारे पकौड़े पक चुके हैं। तो इनको हम निकाल लेते हैं, तो हम इसको साइड से ऐसे करके इसका सारा एक्स्ट्रा तेल निकाल लेते हैं और इसको पेपर टावल पे रखते चले जाते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं अब ये जो हमारा बैटर बचा हुआ है इसके अंदर हम डाल देंगे आलू
और अगर आपका बैटर आपको लगता है कि पतला है तो आप इसमें सूखा कूटू आटा डाल सकते हैं थोड़ा इसको गाढ़ा बनाने के लिए। तो अभी हम पहले चेक कर लेते हैं, तो इसको मिक्स कर लेते हैं हम। जैसे कि आपने ये देखा हमने मिक्स कर लिया है इसको, लेकिन ये अभी थोड़ा सा पतला है, ये इतना पतला नहीं होना चाहिए इस आलू के लिए, इन पकौड़ों के लिए सॉरी। तो इसमें हम थोड़ा सा कूटू काटा मिक्स कर देते हैं। तो हमने इसमें कूटू काटा थोड़ा सा मिक्स कर दिया और इसको हम अच्छे से दोबारा मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए अब ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, हमें ऐसा ही चाहिए बिल्कुल। लेकिन अब हमने थोड़ा सा इसके अंदर कूटू मिक्स किया है, तो भाई नमक तो कम हो गया होगा और मसाले भी मिर्ची कम हो गए होंगे, तो आप उसी हिसाब से अपने थोड़ा सा नमक और काली मिर्च जो है आप एक्स्ट्रा डाल सकते हैं कि आपके जो पकौड़े हैं वो फीके ना रहें। तो आप चाहें तो चम्मच से भी डाल सकते हैं, ये आपने चम्मच से ऐसे डाल दिया, या चाहें तो आप हाथ से ये ऐसे पकड़ के आप हाथ से भी इनकी पकौड़ियाँ तोड़ सकते हैं। तो जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है आप वैसे कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने छोटे छोटे पकौड़ियाँ तोड़ ली। तो अपनी जो गैस है वो हम कर लेते हैं मीडियम पे और इनको हम हिला लेते हैं, अलट पलट कर देते हैं सो दैट कि अच्छे से पक जाए हमारी। और इनको हम तब तक पकाएंगे जब तक ये बिल्कुल क्रिस्पी ना हो जाए और ये गोल्डन ब्राउन या जैसे आपको हल्की सी काली काली दिखने लगेंगी। इस अभी जैसे आप देख सकते हैं ग्रे हैं बिल्कुल, तो जब ये ब्राउन हो जाए, डार्क ब्राउन हो जाए, इसका मतलब हमारी जो पकौड़ियाँ हैं वो बन गई हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें झाग कम हो गए हैं, साथ के साथ आप ये पकौड़ियाँ देख सकते हैं, ये देखिए ये ग्रेश से ये डार्क ब्राउन सी हो गई हैं। तो हमारी जो पकौड़ियाँ हैं बिल्कुल तल के तैयार हैं। तो इनको हम निकाल लेते हैं, तो साइड से ऐसे कर लें सो दैट कि जो इसका एक्स्ट्रा तेल है वो कढ़ाई में ही रह जाए। और ये हम अपने पेपर टॉवल पे निकाल लेते हैं जो हमने अपने चिप्स वाले पकौड़े बनाए हुए थे, और इसी तरह से बाकी का बचा हुआ जो मिक्सचर है वो भी हम इसकी पकौड़ियाँ बना के तोड़ के कढ़ाई में डाल के तल के और निकाल लेंगे। तो जी ये तैयार हो गए थे हमारे पकौड़े गर्मा गर्म, बहुत पानी आ रहा है। तो जो कूटू है एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी, वैसे तो ये बहुत करारे बनते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं, लेकिन जो कूटू की जो तासीर होती है वो काफी गर्म होती है। तो अगर आप कूटू कूटू की पकौड़ी या कूटू की पूड़ी कुछ भी खा रहे हैं तो ध्यान रखें आप हमेशा उसको दही के साथ जरूर खाएं, तो वो ज्यादा पेट में जाके आपको ज्यादा गर्म ना करे। तो अब हम ये लेते हैं कूटू और ये मैंने थोड़ा सा लिया दही। आहा क्रंची, मजा आ गया जी। तो भाई कूटू के जो पकौड़े हैं बहुत ही टेस्टी बने हैं, आपको किसी चटनी की जरूरत नहीं है, दही लीजिए। अगर आपको थोड़ा सा दही, फीका दही नहीं पसंद है तो नमक और काली मिर्च डालिए और जी मजा लूटिए और कहिए वाह जी वाह। तो अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया है तो डोंट फर्गेट टू हिट द लाइक बटन एंड प्लीज डोंट फर्गेट टू शेयर योर एक्सपीरियंस इन द कमेंट्स बिलो, बिकॉज आई लव रीडिंग देम, आई लव रिप्लाइंग यू बैक। एंड ऑफ कोर्स प्लीज डू डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो मेरी जो भी आने वाली वीडियोस है उसको आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा और इसी तरह से आप मेरी कोई भी वीडियो जो है मिस नहीं करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।